नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के नए अपडेट के बारे में। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इस लहर में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए तो वहीं सबसे ज्यादा लोगों की जान भी गई है। ऐसे में चुनाव पर इसका असर पड़ा है। चुनाव इस साल मई के में संपन्न करा लेना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दर में कमी आई है तो राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह तैयारी बाढ़ को ध्यान में रखकर की जा रही है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों को लेकर प्रखंड और पंचायतों के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी मांगी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं देखा गया तो आयोग दिसंबर तक चुनाव संपन्न कराने की रणनीति में जुटा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग यह प्रयास कर रहा है कि बारिश और बाढ़ प्रभावित पंचायतों का कैलेंडर उपलब्ध हो जाए। अगर ऐसा होता है तो सितंबर से दिसंबर के बीच में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बन सकती है। वहीं पंचायतों में परामर्श समिति के गठन से संबंधित दस्तावेज की मियाद नवंबर में पूरी हो रही है। ऐसे में आयोग इस लिहाज से भी चुनावी तैयारियों को अमलीजामा पहनाने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि बिहार में बरसात के महीने में सबसे ज्यादा उत्तर बिहार में बाढ़ की तबाही मच जाती है। इसके साथ ही कई तरह की समस्याएं सामने आ जाती है। बहुत बड़ी आबादी का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट जाता है। गांव के लोगों को राहत शिविर में रहने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में आयोग की तरफ से यह योजना बनाई जा रही है कि विस्थापित लोगों को लौटने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2016 में पंचायत चुनाव कराया गया था। परामर्श समिति के रूप में सरकार ने वैधानिक बाध्यताओं का भी ख्याल रखा है और पंचायत के विकास कार्यों के लिए गुंजाइश की भी बरकरार रखी है। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा को लेकर मतदान की आखिरी तिथि व नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराने तक में करीब 3 माह का समय लग जाता है। ऐसे में अगर बाढ़ बारिश का कैलेंडर मिल जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग को चुनावी तैयारी करने में सहूलियत होगी। इसी मद्देनजर आयोग ने संबंधित पक्षों को पत्र लिखा है। तो ये थे पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट, क्योंकि 16 जून यानी कि आज के बाद से जो है परामर्श समितियां एक्शन में आ जाएगी और वो जनप्रतिनिधियों के पास एक जो बचे हुए कार्य हैं पंचायतों के वो करने होंगे। इस परामर्श समिति में जो है अधिकारियों को भी मौका दिया गया है, अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों मिलकर जो है आगे के बचे हुए समय में पंचायतों के विकास का कार्य करेंगे। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।